प्रीवियस लेक्चर में देखा कि जो सब किंगडम आर्कियोबैक्टीरिया है वो थ्री ग्रुप्स में ग्रुप किया गया है। पहला जो ग्रुप है वो है मिथेनोजेंस, देन वी हैव थर्मासिडोफाइल्स, और जो लास्ट ग्रुप है वो है हेलोफाइल्स। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद मिथेनोजेंस। ओके, तो हम मिथेनोजेंस से शुरू करते हैं। ये जो मिथेनोजेन टर्म है ये मेनली एक गैस से आया है जिसका नाम है मीथेन, मीथेन फॉर्मूला CH4। ओके, तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया है उनका कोई ना कोई संबंध है इस गैस से, मीथेन गैस से उनका कोई ना कोई संबंध है। और ऐसा ही कुछ है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मीथेन गैस। आई विल टेल यू हाउ दे प्रोड्यूस। मैं आपको बताता हूँ कि जो बैक्टीरिया से मिथेनोजेंस ये मीथेन गैस कैसे प्रोड्यूस करते हैं। ये जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया है दे आर मेनली प्रेजेंट इन अ गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। दे आर फाउंड इन द गट ऑफ रूमिनेंट एनिमल्स। ओके, तो जो रूमिनेंट एनिमल्स हैं, रूमिनेंट एनिमल्स में भी काउ और बफेलोस। ओके, तो काउज बफेलोस मेनली जो होते हैं वो रूमिनेंट एनिमल्स होते हैं, और इन्हीं रूमिनेंट एनिमल्स के गट में एलिमेंट्री कैनाल में, एलिमेंट्री कैनाल मतलब जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट्स होता है, ऑर्गन्स होते हैं, उनको हम कलेक्टिवली एलिमेंट्री कैनाल बोलते हैं। तो इन्हीं जगहों पर मिथेनोजेंस बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ओके, और वो प्रोडक्शन करते हैं मीथेन गैस का। जो ये जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया है दे आर मेनली कीमो ऑटोट्रॉप्स, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। ओके, तो जो मीथेन गैस की फॉर्मेशन होती है इन बैक्टीरियाज के द्वारा वो कुछ इस तरीके से होती है। ये CO2 लेते हैं, हाइड्रोजन लेते हैं एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, और ये फॉर्म कर लेते हैं मीथेन और पानी। ओके, तो आप देख सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट मिल रहा है ये हमको मीथेन मिल रहा है, और यही इनका रोल रहता है, इनका फंक्शन ही रहता है मीथेन गैस को प्रोड्यूस करना, फॉर्म करना। ओके, इसके अलावा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये जो बैक्टीरियाज होते हैं वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं ऑक्सीजन को लेकर। अगर ट्रेस अमाउंट में भी इन्हें ऑक्सीजन मिल गई, ट्रेस अमाउंट में भी अगर ऑक्सीजन मिल गई तो इनकी डेथ हो जाएगी। अगर आप इस हाइड्रोजन की जगह ऑक्सीजन को रख दें तो आगे रिएक्शन नहीं बढ़ सकती। इसी यही वजह होती है कि ऑक्सीजन से बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, और इनको रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन ही चाहिए पड़ता है। ओके, इसके अलावा ये जो मिथेनोजेंस होते हैं इनकी जो सेल वॉल होती है वो स्यूडो पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है, स्यूडो पेप्टिडो ग्लाइकेन्स। ओके, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मिथेनोजेंस की जो सेल वॉल होती है वो स्यूडो पेप्टिडो ग्लाइकेन्स की बनी होती है, फॉल्स पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है। ओके, ट्रू पेप्टिडो ग्लाइकेन्स नहीं होते, मतलब जो पेप्टिडो ग्लाइकेन्स के मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो इनमें नहीं पाए जाते हैं, इसलिए हम बोल देते हैं फॉल्स पेप्टिडो ग्लाइकेन, और वी कैन ऑल्सो कॉल एज स्यूडो पेप्टिडो ग्लाइकेन्स। ओके, तो कुछ एग्जाम्पल्स हैं मिथेनोजेंस के, मिथेनोबेसिलस एंड थियोबेसिलस, थियो बेसिलस। ओके, तो ये दोनों मिथेनो बैक्टीरिया के एग्जाम्पल हैं। तो अब हम बात करते हैं थर्मोएसिडोफाइल्स की। तो ये जो टर्म है थर्मोएसिडोफाइल्स, थर्मो का यहाँ पर मतलब है हाई टेम्परेचर से, हाई टेम्परेचर, एसिडो का यहाँ मतलब है एसिड से, और फाइल्स का मतलब होता है लवर, मैंने लोअर लिख दिया, हाँ लवर। ओके, तो हाई टेम्परेचर एसिड्स लवर, इसको बेसिकली हम फाइल्स पढ़ते हैं, अगर आप अमेरिकन इंग्लिश यूज़ करते हैं तो इसको फिलीस भी बोल सकते हैं। ओके, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो रहने के लिए हाई टेम्परेचर यूज़ करते हैं और अपने मेटाबॉलिज्म के लिए एसिड्स यूज़ करते हैं। ओके, तो हमारे सामने सवाल ये आता है कि रहने के लिए कैसा हाई टेम्परेचर यूज़ करते हैं और मेटाबॉलिज्म के लिए कैसे एसिड्स यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जो हाई टेम्परेचर से यूज़ करते हैं रहने के लिए वो इनको मेनली हॉट स्प्रिंग्स में मिलता है, वो इनको मिलता है मेनली हॉट स्प्रिंग्स में। दूसरा सवाल हमारे सामने आता है कि हॉट स्प्रिंग्स क्या होते हैं। तो हॉट स्प्रिंग्स मेनली ऐसी जगहों पर होती हैं जहाँ पर ऑलरेडी कभी पास्ट में वॉल्केनो इरप्शंस हुए हों। ठीक है, तो जब वॉल्केनो इरप्शंस होते हैं तो लावा ज़मीन से बाहर आता है। ठीक है, तो जब लावा ज़मीन से बाहर आता है तो वो कुछ होल्स क्रिएट कर देता है ज़मीन में। ठीक है, तो उन्हीं होल से ये वाटर, गर्म वाटर जो होता है, जो गर्म पानी होता है वो बाहर निकलता है भाप की तरह, उन्हीं को हम हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं। तो आई विल टेल यू हाउ दे आर फॉर्म्ड। सपोज ये कोई एरिया है, ठीक है,
यहाँ पर कभी पास्ट में वॉल्केनो इरप्शंस हुए थे, ठीक है। तो यहाँ पर ज़मीन के अंदर काफ़ी सारे पत्थर हैं, चट्टाने हैं ऑफ कोर्स, और ये ज़मीन की बहुत ही डेप्थ है, ठीक है। और ज़मीन के नीचे हमें क्या मिलेगा, मैग्नम मिलेगा, लावा मिलेगा, यहाँ पर लावा है, ठीक है। तो जब बरसात होती है इन जगहों पर, जब बरसात होती है तो कुछ पानी जो स्टोर हो जाता है वो इन कैपिलरीज से ज़मीन के नीचे आता है। जो पानी नीचे स्टोर हो जाता है ज़मीन के नीचे, बरसात का जो पानी, वो इन कैपिलरीज से नीचे आता है, ठीक है। और जैसे ही वो इस लेयर पे पड़ता है, लावा वाली लेयर पे पड़ता है, ये पानी गर्म हो जाता है, ये पानी बहुत ही गर्म हो जाता है। और जैसे ही गर्म होते हैं, इन जगहों पर पहले से ही होल्स होते हैं जो कि लावा की वजह से फॉर्म हुए हैं। तो इन होल से वेपर के थ्रू ये पानी बाहर आता है, इन होल से वेपर के थ्रू ये पानी बाहर आता है, और इन्हीं पानी को हम, इसी गर्म पानी को हम हॉट स्प्रिंग्स बोलते हैं, ओके। तो इन्हीं जगहों पर मेनली ये जो थर्मोएसिडोफाइट्स बैक्टीरियाज होते हैं वो पाए जाते हैं। टेम्परेचर होता है इन हॉट स्प्रिंग्स का, वो मेनली वेराई करता है, वो डिपेंड करता है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के टेम्परेचर पर, ठीक है। तो जैसे कि ये जो वाटर है, इसका टेम्परेचर, ये हॉट स्प्रिंग का जो वाटर है वो 70 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक वेराई कर सकता है। और आप यहाँ पर नहा सकते हैं, आप यहाँ पर बाथ भी ले सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ यू हैप्पीली बाथिंग, दीज आर शॉर्ट्स। तो मेनली आपको इस गर्म पानी में नहीं नहाना, ठीक है। ये जो पानी होता है, सपोज यहाँ पर कोई रिवर है, एश्योरीज है, यहाँ पर ये गर्म पानी मिक्स हो जाता है, तो यहाँ पर आप हैप्पीली नहा भी सकते हैं, ओके। और गोवा इस अफवाह में मत जाना कि वहाँ पर हॉट स्प्रिंग्स होती हैं, ठीक है। तो गरम गरम पानी में नहाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। इंडिया में रेयरली आपको हॉट स्प्रिंग्स मिल सकती हैं, मेरे ख्याल से तो नहीं है। थर्मोएसिडोफाइट्स के जो बैक्टीरियाज हैं वो हाइड्रोजन सल्फाइड लेते हैं एज अ एनर्जी सोर्स। हाइड्रोजन सल्फाइड, कुछ थर्मोएसिडोफाइट्स के जो बैक्टीरियाज हैं वो स्टैग्लेमाइट्स भी फॉर्म करते हैं। तो स्टैग्लेमाइट्स आपको बेसिकली गुफाओं में देखने को मिल जाएगी, केव्स में, जहाँ से वाटर ड्रॉपलेट्स गिरते रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होते हैं, ये थर्मोएसिडोफाइट्स कुछ स्पीसीज रहती हैं और ये फॉर्म करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड को। तो सल्फ्यूरिक एसिड से मेनली आसान हो जाता है कि कार्बोनेट्स को इन शेप में लाना है, इन स्पाइंस के शेप में लाना, ठीक है। इसके अलावा भी जो थर्मो एसिडोफाइल्स का फंक्शन होता है, ये बाइकार्बोनेट्स को कार्बोनेट्स में प्रेसिपिटेट करते हैं, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं हम थर्मो एसिडोफाइल्स के। थर्मो प्लाज्मा एंड पायरोकोकस, ठीक है। सो थर्मोप्लाज्मा और पायरोकोकस, ये दो एग्जाम्पल हैं जो कि आपको याद रखने हैं थर्मो एसिडोफाइल्स के। जो थर्ड ग्रुप बाकी है जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, वो है हेलोफाइल्स। हेलो का यहाँ पर मतलब है सॉल्ट से, और फाइल्स मीन्स लवर। सो सॉल्ट लवर, सॉल्ट लवर का मतलब ये नहीं है कि जो वेजिटेबल सॉल्ट हम यूज़ करते हैं उसमें ये मेनली हेलोफाइल्स पाए जाते हैं। ये ऐसे पानी में पाए जाते हैं जो कि बहुत ही सॉल्टी होता है, ऐसा पानी जो कि बहुत ही सॉल्टी होता है। और अभी तक हमको ये मालूम है कि जो ओशियन वाटर होता है वो मेनली सॉल्टी होता है, जो समुद्र का पानी होता है सिर्फ वही सॉल्टी होता है। बट ऐसा नहीं है, ऐसी भी कुछ जगह हैं जहाँ पर जो पानी होता है वो 5 टाइम्स मोर साल्टियर है ओशियन वाटर से। जैसे हम एग्जाम्पल लें डेड सी, तो जो डेड सी है वहाँ पर मेनली बहुत ही पानी नमकीन है, बहुत ही सॉल्टी है, और ऐसी ही जगहों पर हेलोफाइल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ऐसी ही जगहों पर वो सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। सो दे यूज टू लिव इन मेनली एक्सट्रीमली बेसिक एन्वायरमेंट, ठीक है। ये मेनली बेसिक एन्वायरमेंट में रहना पसंद करते हैं। और इनके हम कुछ एग्जाम्पल्स की बात कर लेते हैं, जैसे कि हेलो हेलो बैक्टीरियम एंड हेलो कोकस, ओके। सो हेलो बैक्टीरियम एंड हेलो कोकस, ये दोनों एग्जाम्पल्स हैं जो कि आपको याद रखना है हेलोफाइल्स के।